Hi everyone, welcome to Learn in Commerce. Today we are going to start a new chapter of your course, that is Ratio Analysis. और इस रेशियो एनालिसिस चैप्टर में सबसे पहली कैटेगरी जो लिक्विडिटी रेशियोज की है, जिसके अंदर करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, उसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और साथ साथ जुड़े हुए सपोर्टिंग फॉर्मूले हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स वंस अगेन। पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको रेशियो एनालिसिस की थ्योरीज बताई थी, उसका इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस वगैरह, लेकिन हम आज वाली क्लास में रेशियो एनालिसिस पर कुछ प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। अब प्रैक्टिकल पार्ट में हमारे पास जो शुरुआत करने के लिए, सबसे पहले हम आप बता दें कि चार टाइप की रेशियोज टोटल हैं। देखो, एक हमारे पास है पहली कैटेगरी लिक्विडिटी रेशियोज की, फिर है सॉल्वेंसी रेशियोज की, टर्नओवर रेशियोज की और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये चार कैटेगरीज हैं, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और इन सब में अलग अलग रेशियोज हैं। जैसे लिक्विडिटी रेशियोज में दो रेशियोज हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर हम चार रेशियोज पढ़ेंगे, टर्नओवर रेशियोज के अंदर चार रेशियोज हैं, ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर ये पांच रेशियोज हैं। लेकिन हम पूरी रेशियोज पढ़ने के बजाय हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस ए पार्ट की, लिक्विडिटी रेशियोज की, जो कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यानी कि कंपनी, वेदर द कंपनी इज एबल टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और नॉट, टाइम पर अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको पता लगाने के लिए हम ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज यानी लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर आपके पास दो रेशियोज हैं, एक करेंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो। जो करेंट रेशियो है, इसका फॉर्मूला है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, CA अपॉन CL। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा जब सिंपलाइज करेंगे करंट रेशियो के लिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और एक रेशियो है लिक्विड रेशियो, इस लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला रहेगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, मीन्स लिक्विड एसेट्स, या इसको क्विक एसेट्स के नाम से बोलेंगे, और नीचे आपके पास करंट लाइबिलिटीज होंगी। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब इनके न्यूमेरिकल से पहले इनको समझते हैं कि करंट एसेट्स के बारे में आता क्या है। इसमें सबसे पहले देखो करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इस करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो एक साल के अंदर अंदर मैच्योर हो जाएंगी, एक साल से पहले टाइम मैच्योर हो जाएंगी, उन्हें पैसा मिल जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। देन देर आर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, स्टॉक हमारा किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन इस इन्वेंट्रीज के अंदर हम लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ आता है कि इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स या स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड है, तो हटाकर आपको इन्वेंट्रीज इंक्लूड करनी है इस करंट एसेट्स के अंदर। देन देर इज ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स के दो पार्ट होते हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ये हमें पता है, वो दोनों इंक्लूड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर, और वो भी प्रोविज़न माइनस करने के बाद, यानी कि जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स होगा वो माइनस करने के बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे करंट एसेट्स के अंदर। देन देयर आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर हमारे पास कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, उसके अलावा शॉर्ट टर्म बताया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी इसी के अंदर आती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, उसके अलावा कुछ और करंट एसेट्स भी हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सारी के सारी शॉर्ट टर्म के लिए हैं और सारी के सारी करंट एसेट्स में यूज़ होंगी। तो मेनली इसके अंदर आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, स्टॉक है स्टॉक में, लेकिन लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को छोड़कर, डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों हैं प्रोविज़न माइनस करने के बाद, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, एक्रूड इनकम है, ये सब हमारे करंट एसेट्स की आइटम्स हैं। देन देयर आर सेकेंड आइटम करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारी ऐसी लाइबिलिटीज़ जिसकी पेमेंट हमें एक साल के अंदर अंदर करनी है। एक साल के अंदर जैसे हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन ले रखे हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ऐसी पेमेंट है जो हमें एक साल के अंदर अंदर वापस देनी है। फिर हमारे पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, जैसे हमारे पास डेटर्स और बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स का पार्ट थे, ऐसे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमारे ट्रेड पेबल्स का पार्ट है। उसके अलावा कुछ और करंट लाइबिलिटीज भी हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, कोई अनपेड डिविडेंड है, या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रपोज्ड डिविडेंड। तो
तो करंट लाइबिलिटीज आर दो लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ शॉर्ट टाइम, या भी कहते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर. शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम एडवांस मिली है, प्रोविजन बनाया हुआ टैक्स के लिए, या प्रपोज डिविडेंड आपने देने एक साल के अंदर अंदर, ये सवाल करंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं. तीसरी आइटम हमने पढ़ी थी लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स में मेन फॉर्मूला हो रहा होता है करंट एसेट्स में से, जो जितने भी करंट एसेट्स है इसमें से आप इन्वेंट्री, ये जो इन्वेंट्री वाला पार्ट था और ये जो आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि अदर करंट एसेट्स वाला पार्ट था. तो अगर हम लिक्विड एसेट्स चाहिए तो इस करंट एसेट्स में से मेनली स्टॉक वाला पार्ट जो ऊपर था और जो अदर करंट एसेट्स वाला पार्ट है, अदर करंट एसेट्स में हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हैं, अक्रूड इनकम भी है और एडवांस टैक्सेस भी हैं, ये सारे हटा दो. ये सारे हटाने के बाद जो बचेंगे हमारे लिक्विड एसेट्स होंगे. लेकिन नॉर्मली हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए होते हैं, इसलिए स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दो करंट एसेट्स में से तो आपके लिक्विड एसेट्स बन जाते हैं. मींस करंट एसेट्स निकालने के लिए अगर आपको लिक्विड एसेट्स गिवन हो तो इन स्टॉक और अदर करंट्स को ऐड कर लो तो आपके पास करंट एसेट्स कैलकुलेट हो जाते हैं. तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स, ये तीन आइटम हुई. फिर हमारे पास एक काम आता है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. अगर हम करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल आएगा. अब ये तो हो गया हमारा करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल के बारे में. अब देखो टोटल एसेट्स क्या होते हैं. टोटल एसेट्स का मतलब है नॉन करंट और करंट. नॉन करंट मतलब ये फिक्स्ड एसेट्स हो गए आपके, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं नॉन करंट एसेट्स हो गए और करंट एसेट्स, दोनों को मिलाकर टोटल एसेट्स होंगे. और टोटल लायबिलिटीज निकालनी है तो नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों हो गई. तो टोटल एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, और टोटल लायबिलिटीज के अंदर भी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज. अब ये नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं? नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं. तो फिक्स्ड एसेट्स सारे टेंजिबल इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म के लोन्स एंड एडवांसेस, ये बनते हैं नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा. इसी तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म की जो लायबिलिटी है उसमें लॉन्ग टर्म लोन्स हमने दे रखे हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, बैंक के लोन्स हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो होंगे वो आपके करंट एसेट्स में आ जाएंगे, करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे, और जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं ये नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे. ओके तो ये हो गया नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आज की क्लास में डिस्कस किया हमने रेशियो एनालिसिस का चैप्टर, जिसके अंदर शुरुआत में जो फर्स्ट कैटेगरी है रेशियो एनालिसिस की, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले और साथ साथ उससे जुड़े हुए सपोर्टिंग फॉर्मूले को डिस्कस किया. ओके और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना दिखाऊंगा कि इसके करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं. ओके टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स. थैंक यू.